हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे समर फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के प्लांट मेरे पास हैं और मैं इनको कभी कटिंग से कभी सीड से ग्रो करके समर में फ्लावरिंग इनसे लेती हूँ। तो कौन कौन से प्लांट हैं जो सीड से और कटिंग से लग जाते हैं समर फ्लावरिंग प्लांट, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट देखिए, ये है बिंका। बिंका का जो प्लांट है, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, दोनों जो होते हैं सीड से भी ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। इस समय इसका जो फरवरी या जो मार्च मंथ होता है, इसका ग्रोइंग का पीरियड होता है, अभी से इनकी जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाती है। तो इसको आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह के इसके छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड होते हैं और जब हम उनको मिट्टी में मिलाते हैं तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हमें मिल जाते हैं। और देखिए, मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट हैं और देखिए कईयों को मैंने रिपॉट भी कर दिया है। तो आप बिंका को इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपको अवेलेबल हो। अगर सीड है तो सीड से ग्रो कीजिए, अगर पुराना प्लांट है तो उससे आप इस समय कटिंग भी लगा सकते हैं। और फिर ये प्लांट जो है आने वाली पूरी गर्मी आपको जो है फ्लावरिंग देंगे। बिंका में जो देसी होता है उसमें दो तीन कलर ही होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं उसमें आपको 10-12 कलर मिल जाते हैं और इन पर बहुत सारे सीड बनते हैं। आप कलेक्ट करके रखिए, नेक्स्ट सीजन खुद ग्रो कीजिए प्लांट। दूसरा जो प्लांट है, जो समर फ्लावरिंग प्लांट है, ये एक बेलनुमा प्लांट होता है, मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी इस समय सीड से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड जो है देखिए मेथी दाना की तरह होते हैं, जो आपको सीड शॉप पे या अमेजोन ऑनलाइन वगैरह मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते मिलते हैं। और देखिए इस तरीके से आप इनको मिट्टी में डालिए अभी जैसे फरवरी मार्च में, तो फिर हफ्ते 10 दिन में इसके छोटे छोटे प्लांट उग आते हैं। तो फिर आप उनको रिपोर्ट करके पूरी गर्मियां इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और अगला प्लांट है देखिए, ये बालसम। बालसम भी इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। मेरे देखिए ये प्लांट खुद ही उग आते हैं, क्योंकि ये हर साल जो है जहाँ ये प्लांट लगा होता है तो इसके जो बीज हैं वो गिर जाते हैं, तो हर साल ये इस तरीके का जो पिंक कलर का फ्लावर प्लांट है हमारे गार्डन में उग आता है। तो अगर आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं इस समय, तो ये पूरी गर्मियां जो है फ्लावरिंग देता है। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, जब प्लांट हो तो आप इसकी फिर कटिंग भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है पोर्चुला का, जो गुलतपहरी, तो जहाँ दोपहर फूल इसको बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर में मिलता है। इसको आप इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से जो प्लांट है वो जल्दी तैयार हो जाता है, सीड से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो भी आपको कटिंग मिले तो कटिंग से ग्रो कीजिए, नहीं तो सीड से तो ये ग्रो होता ही है। सीड इसके मिल जाएंगे आपको सीड शॉप पे। तो देखिए कटिंग से लगाते हैं तो आपका जो प्लांट है वो जल्दी तैयार हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में इसकी रूट्स बन जाती हैं, फिर इस जो न्यू ग्रोथ आती है, फिर फूल भी आने लगते हैं जब इसको धूप मिलती है। तो कटिंग लगानी है तो आप इस तरीके से कहीं से भी इसको कटिंग मिले तो इस समय ये कटिंग से बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है। नर्सरी पर इसका जो प्लांट है 20-25 रुपये का मिलेगा और बहुत सारे इसमें रंग होते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। और ये जो है गर्मियों में अच्छे से पूरी गर्मियों फ्लावरिंग देता है और सर्दी में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में रहता है, मगर ये प्लांट बना रहता है पूरा साल। देखिए समर फ्लावरिंग प्लांट जीनिया। जीनिया को भी आप इस समय जो है कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो, नहीं तो इसको सीड से तो इस समय ग्रो किया ही जा सकता है। बहुत सारे इसमें डिफरेंट कलर होते हैं और इसके भी जो बीज हैं आपको मिल जाएंगे सीड शॉप से, नर्सरी से, या ऑनलाइन भी इसके अमेजोन वगैरह या और कोई वेबसाइट हो वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी जो है पूरा साल ही फूल देता रहता है, गर्मी सर्दी दोनों सीजन में। तो अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इस समय आप इसकी कोई न्यू शूट जो होती हैं वो ब्रांचेस, वो आप इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो सीड से तो इसको ग्रो किया ही जा सकता है। और इसके जो फूल हैं काफ़ी लंबे समय तक प्लांट पे बने रहते हैं, इसमें टार और ड्वार्फ दोनों वैरायटी आती हैं, दोनों में भी छोटे और बड़े साइज के फूल खिलते हैं। देखिए ये है अडेनियम। अडेनियम को भी आप इस समय कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और सीड या बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और देखिए जिसके पास पुराना प्लांट हो उसके पास सीड भी होंगे, देखिए इस तरीके का एक लंबा सा पतला सा और बेज कलर का सीड होते हैं। और देखिए इस तरीके से आप इनको रेत में लगा सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी इनको ढक दीजिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, फिर इनको धूप में रख देना है। और इस तरीके के छोटे छोटे जो प्लांट हैं आपको बीज से ही मिल जाते हैं। तो अडेनियम जो है बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है, तो इसके भी बीज जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं सीड शॉप से, मगर आप वही बीज लीजिए जो फ्रेश हों।
एडेनियम के जो फ्रेश सीड होते हैं वो जल्दी ग्रो होते हैं, और जो पुराने सीड होंगे उनका ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो अगर आपके पास हैं घर में सीड तो आप ग्रो कर सकते हैं, दुकान से लेंगे तो फ्रेश सीड ले सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए देखिए इस तरीके की आपको ब्रांचेस चाहिए, उसको उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको आपने पहले सुखा लेना है, फिर इस तरीके से कटिंग लगा देनी है जिसमें गार्डन सॉइल रेत हो। और इसको भी आपने अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है, धूप में नहीं रखना है। जब थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो जाए फिर आप धूप में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है जो पोर्चलाका की तरह ही दिखने वाला ये प्लांट होता है, इसको पर्सलेन बोलते हैं। पर्सलेन भी बहुत सारे डिफरेंट कलर में मिलता है, नर्सरी पर इसका जो प्लांट है आपको मिल जाता है 20-25 रुपए का। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, परमानेंट प्लांट है, पूरा साल रहता है, गर्मियों में फूल देता है। और जब इसके फूल जो सूख जाते हैं आप उनको नहीं तोड़ो तो इस पर बीज भी बनते हैं, तो वही कलेक्ट करके रख लीजिए तो सीड से भी या बीजों से इसको ग्रो कर सकते हैं, या इसके जो सीड हैं वो आपको दुकान पे भी मिल जाएंगे जो सीड शॉप होती हैं। तो अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने देखिए कटिंग से इसकी हैंगिंग बास्केट बनाई हुई है। ये प्लांट मेरे पास 5-6 सालों से है और मैं हर साल इसको सर्दियों में सेव करके गर्मियों में इसकी कटिंग लगा के हैंगिंग बास्केट बनाती हूँ। तो नेक्स्ट प्लांट है देखिए, जिसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके सूखे हुए फूलों से इसको रीग्रो कर सकते हैं। देखिए ये गोम्फरीना है, गोम्फरीना के जो सूखे हुए फूल होते हैं वही इसके सीड होते हैं। एक बार आप प्लांट नर्सरी से ले आइए, 20-25 रुपए का मिलता है, इसमें रंग 2-3 होते हैं और परमानेंट प्लांट है, पूरा साल रहता है और पूरा साल फ्लावरिंग करता है। जब एक प्लांट पुराना हो जाए तो उसके सूखे फूलों को आप इस तरीके से मिट्टी में डाल दीजिए, उन्हीं से आपको न्यू प्लांट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है पूरा साल फूल देता रहता है और इसके जब फूल खिलते हैं तो महीना 2 महीने प्लांट पे ही बने रहते हैं। जब तक आप सूख जाएं तब उनको तोड़ो, नहीं तो प्लांट पे ऐसे ही बने रहते हैं। बहुत ही कम केयर में फुल धूप में चलने वाला ये प्लांट होता है जो पूरा साल फूल देता है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, तो इसको लगा सकते हैं आप कटिंग से या बीज से। तो नेक्स्ट प्लांट है देखिए, ये भी एक परमानेंट प्लांट है मगर इसमें फूल जो है गर्मियों में आते हैं। ये है मैक्सिकन पेटूनिया। मैक्सिकन पेटूनिया में भी आपको देखिए इस तरीके से एक पर्पल कलर, एक वाइट कलर, एक पिंक कलर इसमें मिलते हैं। नर्सरी पर इसका भी जो प्लांट है 30-40 रुपए का मिल जाता है और पूरा साल रहता है। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इस पर जब फूल खिल जाता है तो इसके बाद में इसका सीड बनता है, जैसे एडेनियम का सीड होता है, ब्लैक कलर के सीड होते हैं, उनको सीड से भी ये ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। अपराजिता, अपराजिता को भी आप इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से 10 दिन में इसका जो प्लांट है वो आपको सीड से ग्रो हुआ मिल जाता है और पूरी गर्मियाँ ये प्लांट फ्लावरिंग करता है, परमानेंट प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो करके समर में उनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।